एक ऐसा जमाना था जब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इंडस्ट्री में आने की ये पहली शर्त हुआ करती थी कि वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रोड्यूसर्स को ये पता चलता था कि कोई एक्ट्रेस शादीशुदा है तो वो उसे फिल्म में नहीं लेते थे। वैसे कहीं ना कहीं ये सिलसिला आज भी चालू है। ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को छोड़ दें तो ऐसी बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाकर रख पाती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शादी के बाद बॉलीवुड में एंट्री ली। पहला नाम है मल्लिका शेरावत का। मल्लिका का असली नाम रीना लांबा है और उनकी शादी करण सिंह गिल से हुई थी। करण एक पायलट हैं। लेकिन मल्लिका ने बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले करण को तलाक दे दिया था और अपना नाम बदल लिया था। इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जीना सिर्फ मेरे लिए और मर्डर जैसी फिल्में दी। दूसरा नाम है विद्या मालवड़े का। विद्या ने लॉ की पढ़ाई की थी और वो एक एयर होस्टेस थी। विद्या की शादी कैप्टन अरविंद बग्गा के साथ हुई थी, लेकिन 2000 में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। और पति की मौत के 3 साल बाद विद्या ने विक्रम भट्ट की इंतहा से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उन्हें पहचान चक दे इंडिया से मिली, जिसमें उन्होंने गोलकीपर का रोल निभाया था। तीसरा नाम है चित्रांगदा सिंह का। चित्रांगदा की शादी 2001 में ज्योति सिंह रंधावा के साथ हुई थी। इसके बाद चित्रांगदा ने साल 2003 में सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी थाक जमा ली। चौथा नाम है अदिति राव हैदरी का। अदिति की शादी साल 2006 में सत्यदीप मिश्रा से हुई थी, जिनसे वो 1 साल के अंदर ही अलग हो गई। पति से अलग होने के बाद अदिति ने साल 2008 में दिल्ली 6 से बॉलीवुड में एंट्री की और हाल ही में अदिति पद्मावत में रणवीर सिंह के साथ नजर आई थी। पांचवा और आखिरी नाम है डिंपल कपाड़िया का। डिंपल ने अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी की शूटिंग राजेश खन्ना से शादी रचाने से पहले की थी, लेकिन उनकी ये फिल्म उनकी शादी के बाद ही रिलीज हुई थी। बॉबी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन इसके बाद डिंपल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि 80 के दशक में उन्होंने फिर से बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन उनका ये करियर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। तो ये थी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने शादी के बाद बॉलीवुड में अपना सिक्का आजमाया। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।